प्रयागराज में शनिवार माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को अस्पताल ले जा रही थी, तभी यह वारदात घटी। इस सनसनीखेज घटना के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी पार्टियों के नेताओं ने इस घटना पर अपने बयान जारी किया है। इसी क्रम में भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने कहा कि अतीक अहमद बहुत बड़ा अपराधी था, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से बढ़कर कोई प्रक्रिया नहीं होती। कानून व्यवस्था पर यह घटना सवाल ज़रूर उठाती है, लेकिन उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी अपराधियों का नाम इसमें शामिल होगा उन्हें जल्द से जल्द सामने लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह भी हो सकता है कि किसी साजिश के तहत प्रदेश सरकार को बदनाम करने की चाल हो सकती है, क्योंकि सूबे में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसी वजह से सरकार का ध्यान भटकाने और जनता के सामने सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो सकती है। कि ये जो भी घटना हुई है पुलिस की मौजूदगी में, ये तो गलत है। वो ऑलरेडी इतना वांटेड था, उसके ऊपर इतने 100 से ज़्यादा मुकदमे थे, तो पुलिस को और भी ज़्यादा फोर्स के साथ रहना चाहिए था और अतिरिक्त पुलिस बल होना चाहिए था। टीवी चैनल के माध्यम से, अन्य माध्यमों से पता चला है कि दो दिन से वहाँ सुरक्षा भी कम थी, तो ये एक बड़ा फेलियर है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें साजिश भी हो सकती है, कि सरकार और पुलिस को इसमें बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है। और इसकी उच्च स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात में ही मीटिंग बुलाई और रात में ही कमेटी गठित की, डीजीपी को, प्रमुख सचिव गृह को, सबको मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। तो जहां तक ये चीज़ें हैं, हुई तो गलत चीज़ है कि पुलिस कस्टडी में इस तरह की चीज़ होना एक बड़ी बात है, फिर भरोसा किस पर कौन करेगा। तो इसलिए ये बहुत ही खराब चीज हुई है, इसको हम सही नहीं ठहरा सब। बड़े बड़े जो नेता है उनका भी एक कह सकते हैं वर्डिट आया है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। मायावती ने जहाँ इनकाउंटर प्रदेश का नाम दे दिया है उत्तर प्रदेश को, और अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि अगर इतना हाई प्रोफाइल केस जो था उसमें सुरक्षा में चूक होना बहुत बड़ी बात है। आम जनता की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं कि किस प्रकार आम जनता इस ऐसी जगह सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये सब अखिलेश गवर्नमेंट और बसपा के ही पाले हुए लोग हैं। अगर इस तरह से सख्ती पहले हो रही होती तो ये नौबत ना आती कि 100-150 मुकदमे लोगों के ऊपर पेंडिंग होते और उन्हें सजा न मिलती। ये सरकार बीजेपी की है, योगी आदित्यनाथ जी की है, इस वजह से मिल रहा है। अब हो सकता है इसमें कि विपक्ष की भी भूमिका हो कि वो लोग संलिप्त थे इन चीज़ों में, तो अब अपने अपने पल्ले झाड़ने के लिए लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि चुनाव भी सर पे है। बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव, है इसको लेकर जब उनको मालूम था कितने मुकदमे हैं अभी है, तो बहन जी तो अभी भी उनको टिकट देने को तैयार थी, अभी वो पीछे हटी है कि नहीं देना उनकी पत्नी को। तो ये सब लोगों ने ही पाला था उसको, और गलत ये हुआ कि पुलिस कस्टडी में जो उसकी हत्या हुई वो गलत था। जो गलत है उसे मैं गलत ठहराऊंगा कि गलत था कि इतनी फोर्स के साथ। फिर कानून व्यवस्था पे, अन्य चीज़ों पे लोग सवाल उठाएंगे, लाजमी है कि उठाना, ज़रूरी भी है कि भाई इतनी सुरक्षा थी तो क्यों नहीं ये ऐसी घटना हुई। और अखिलेश जी का तो जो रवैया है या मायावती जी का, इन लोगों ने तो पहले से ही इन लोगों को इतना बढ़ा रखा था कि हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टियाँ हो गई, इतने इतने मुकदमे हुए, एक भी मुकदमे में कोई सज़ा नहीं हुई। और इतनी उसके साथ, इतनी कड़ाई के साथ जब उनके साथ पुलिस पेश आ रही थी, तब भी उसके चेहरे पे कोई सिकम नहीं था, हाथ हिला के अभिवादन कर रहा था सबका, टीवी के माध्यम से आप सब लोग देखते ही होंगे, हम भी देखें। तो एक भय तो व्याप्त होगा लोगों में, लेकिन ये अखिलेश और मायावती ये कहने के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है कि उनकी वो प्रदेश पे उंगली उठाए, क्योंकि कानून व्यवस्था में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। ठीक सर, जैसे कि यूपी में नगर निकाय चुनाव भी आ रहे हैं और तैयारियां भी लगभग शुरू हो गई है, तो क्या इस घटनाक्रम का कुछ असर आपको लगता है कि चुनावों में देखने को मिलेगा? नहीं, इस घटनाक्रम का, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति की हत्या हुई होती तो एक चुनाव में फर्क पड़ता है इसका। एक तो दुर्दांत अपराधी था, तो इसका कोई, हर आदमी जागरूक है, हर आदमी इंटरनेट मोबाइल का यूज करता है, हर आदमी जान रहा है कि वो कितने बड़े अपराधी थे। तो इससे हमें नहीं लगता कि चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा। अब पार्टियाँ हैं, हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन जो पार्टियाँ हैं उन्हें चुनाव लड़ना है, और सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम जी, जहाँ पर सब साथ रहते थे वहाँ पर सबको अलग अलग करने की कोशिश भी की जा रही है। ओएसी जी हैं, अन्य तमाम लोग हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो और जब ये घटनाएं हो रही थी, अभी जब शूट आउट हुआ इससे पहले, तभी तो हमारे दो जवान उसमें गए, वकील साहब की हत्या हुई, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा कांड था कि दौड़ा के मारा गया जी। और उसमें भी पुलिस सुरक्षाकर्मी ही थे।
अब ये चूक तो हुई है कहीं ना कहीं से, और मुख्यमंत्री की तरफ से हमें लगता नहीं कोई चूक है, प्रशासनिक चूक हुई है, और जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे 16-17 उनके खिलाफ तत्काल रात में ही कार्रवाई हो गई है, और मुझे लग रहा है कि जो लोगों की तरफ से ढिलाई बरती गई है उनके खिलाफ भी जल्द ही मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ करेंगे। जो अपराधी है उनके उसका भी ये उसके भी घर वालों की तरफ से ही बयान है कि वो अतीक को जानते नहीं थे और अभी 1.5 साल पहले ही वो जेल से रिहा हो के आए हैं जमानत पे और उनका कोई परिवार से कोई मतलब नहीं। तो क्या लगता है सोसीज समझी साजिश के तहत किसी को मोहरा बनाकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? मैंने तो ट्वीट के माध्यम से अन्य माध्यमों से सोशल साइट्स के माध्यम से कहा है कि ये विपक्ष की भी साजिश हो सकती है और इसमें जो अंडरवर्ल्ड के लोग जुड़े हुए जो कल न्यूज के अनुसार मिल रहा था। तो आजकल यूथ को कब नशे के आदि हैं जैसे वो बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को करके और किसी को खड़ा करके इस तरह की घटना कर सकते, क्योंकि प्रेस के वो भेष में थे, प्रेस मीडिया कर्मी बन के गए थे, तो उसमें शक भी नहीं किया जाता है कि मीडिया कर्मी हो इन लोगों पे तो सभी लोग भरोसा करते हैं। और एक बड़ी चीज हो गई कि अब मीडिया भी एक घेरे में आ गई है, अब अगर कोई भी चैनल है कोई भी है अगर जांच होगी तो उन्हें भी बुरा लगेगा कि हम इतने बड़े चैनल से हैं मेरी तलाशी हो रही है। उन लोगों ने दो चीजों को घेरे में लिया, एक तो मीडिया जो हमारी हर जगह पहुंच जाती थी वो भी अब घेरे में रहेगी, पुलिस को एक ये बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि हम इसलिए जांच कर रहे हैं कि ऐसी घटना हो चुकी है। देशपद न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।